सर, जिस तरह का आज तक प्रोग्राम में थे, किस तरह ऐसी है कि प्रोग्राम से ऐसा गुजर रहा है? आज मैं यहाँ पे जो वैक्सीनेशन आ रहे हैं उसके अंत का मुआयना करने के लिए यहाँ आया था, और वो बड़े जोश से लोग सब अपना इंजेक्शन वैक्सीन लगवा रहे हैं, और बहुत सारों को फर्स्ट डोज लग रही है, बहुत सारों को सेकेंड डोज लग रही है, और तकरीबन हमारा मोहाली डिस्ट्रिक्ट जो है पूरे पंजाब में काफ़ी अच्छी पोजीशन पे है, और थोड़े दिनों में शायद जो 15-20 हज़ार और स्लॉट लग जाएंगे, इंजेक्शन लग जाएंगे, तो शायद हमारा जो 100% वैक्सीनेशन का जो टारगेट है वो हम अचीव कर लेंगे। सर, पंजाब से जो अगर करिए वैक्सीनेशन 100% अचीव हो चुके हैं? नहीं, हजे फर्स्ट नहीं, हाले नहीं, हाले नहीं होया, अब अभी चल रहा है, लेकिन करोड़ तो क्रॉस कर चुके हैं काफी दिन से। तो सर, हम कई जगह तो देखने आ रहे हैं, जो 78 का स्टेडियम है, कुछ जगह पे रश बहुत ज्यादा लोगों का होने लग गया है, कि ऐसे ऐसे है कि वहाँ पे टीमें भी बहुत होती हैं, बहुत ज्यादा डॉक्टर, बहुत सारी वहाँ पे एक्चुअली गाड़ी खड़ी करने की हर सुविधा वहाँ पे है, बाकी हमारी जितनी डिस्पेंसरी सभी जगह लग रहे हैं, वो तो उनकी खुद की मर्जी है, वो कहाँ पे लगवाना चाहते हैं, हॉस्पिटल जाए वहाँ भी लग जाएगी, डिस्पेंसरी भी लग जाएगी, आप देखो कैंप भी लग रहे हैं, जब जहाँ कोई आप बताएंगे 200 लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, हम वहाँ वहाँ टीम भेज देंगे। वैक्सीन वगैरह से कोई शॉर्टेज तो नहीं? वैक्सीन अभी आ रही है, लेकिन उस मात्रा में आ रही जिस मात्रा में हमको चाहिए, जितना जल्दी हम कवर करना चाहते हैं। कितना चाहिए सर? ऐसी है कि हमारे टोटल 2.5-3 करोड़ लोग हैं, उससे 2 करोड़ को हमको वैक्सीनेट करना पड़ेगा, जो 18 साल से नीचे वाले हैं और ऊपर वाले हैं, उसके बाद 12 साल वाले की बारी आएगी, और हमारे पास जो 6-7 लाख पर डे हमको मिलती रहे तो वो भी हम लगाने का समर्थ है। 12 साल के बच्चे भी सर जी वैक्सीन की गल कर रहे हो, पंजाब से लागू हो गई? नहीं, अभी लागू नहीं हुई, जब सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अलाउ करेगी, अलाउ करेगी उसके बाद। क्या कुछ हो रहा है, किस तरह का कैंप लग रहा है, कितना रिस्पॉन्स है? सर, रिस्पॉन्स ये है कि आप वैक्सीन प्रॉपर लगवा रहे हैं, क्योंकि 70-80% हमारी वैक्सीन लग चुकी है कॉलोनी के लिए, जो कि बलवीर सिद्धू साहब ने हमारे कॉलोनी के लिए जो सेक्टरों को समझा, वो उससे ज़्यादा हमारे कॉलोनी वालों को समझ रहे हैं वो, क्योंकि हर एक चीज़ की जरूरत, जो भी जरूरतें हैं बंद वो पूरी कर रहे हैं वो, हम किसी चीज़ को कहते हैं वो फटाफट उनको तुरंत ही ऑर्डर कर देते हैं भी इनके यहाँ भेजो, उन्होंने आज तक यहाँ को भी ये नहीं सोचा कि भाई हमारी कॉलोनी में कोई और किसी के लोग रहते हैं, वो कहते हैं हमारा परिवार रहता है यहाँ पे, उन्होंने परिवार करके ही उन्होंने काम कराया, परिवार करके ही काम किया उन्होंने। सबसे बड़ी बात है कि हेल्थ मिनिस्टर आपके दरवाजे तक आ रहे हैं, आपके लिए बहुत, हाँ बहुत, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे हेल्थ मिनिस्टर उन्होंने आते ही नहीं सोचा मैं मिनिस्टर हूँ, वो देख रहे परिवार हूँ मैं आपका, मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ इस बात का, बलवीर सिंह सिद्धू साहब का और अमरजीत सिंह जीती साहब का, मेरे साहब का मैं बहुत अनुभारी हूँ, बाकी हमारे साहब शर्मा जी आए थे, ठीक है, तो मैं इनका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारे हर एक बात को सुनते हैं, इन्होंने आज तक किसी चीज़ को भी ना नहीं की, आप देखो 15 साल आज 16-17 साल कॉलोनी को आंधे हो गए, आज तक किसी ने काम नहीं कराया, जो हमारे बलबीर सिंह सिद्धू साहब ने काम कराए, मेयर साहब ने काम कराए, मेयर साहब जब 100 चक्की थी उसके दूसरे दिन को हमारे रोड बनवादी, जो कि 15-20 साल से आते रोड नहीं बनी है, उन्होंने आते खन सीट पकड़ते खन उन्होंने पहले हमारी रोड का निर्माण कराया उन्होंने, अच्छा राशन कार्ड का हमने सारा राशन कार्ड काम कराया, धर्मशाला बनाई, जो हमने उन्होंने काम कह दिया उन्होंने मना नहीं कराया, भाई हम ये काम नहीं कर सकते, उनके यस नौ कहते आगे मुँह से समझे नहीं हमने, यहाँ भी इन्होंने जवाब दिया, मेरे साहब के पास आधी रात पहुंचे तो आधी रात मेरे साहब मना नहीं कर सकते, भाई मैं नहीं कर सकता इस काम को। कितनी आबादी है यहाँ पर अभी तक, कितने लोगों को टीका लग चुका होगा वैक्सीन का? यह आबादी है करीबन 10,000 आबादी है, जो कि 70% डोज लग चुकी है। तो आज दूसरी लग रही है पहले? ये दोनों चल रही है, दूसरी पहली चल रही है, क्योंकि 7वां-8वां कैंप है हमारे यहाँ पे, जो कि लगातार कैंप चल रहे हैं यहाँ पे, हर हफ्ते कैंप लगता है हमारे यहाँ पे। सतीश प्रधान का नाम है, ताकि यहाँ कॉलोनी में वैक्सीन का काम चल रहा है, हम साहब कॉलोनी में, हम साहब कॉलोनी सेक्टर 65 जगत पर इसका नाम लिया जाता है, जो कि इसमें 8वीं बारी कैंप लग चुका है, हर एक इंसान को यहाँ वैक्सीन मुहैया कराई जा रही है, किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही हमारे को स्टाफ की वजह से, क्योंकि हेल्थ मंत्री मिनिस्टर साहब ने ऑर्डर करा हुआ है घर घर वैक्सीन हर एक बंदे को लगानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि मंत्री साहब एक ऐसे हैं उन्होंने आज तक ये नहीं सोचा कि हम मंत्री हैं, उन्होंने कहा हमारा परिवार रहता ही है, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम मंत्री हैं, और ये नाम मेरे साहब है, मेरे साहब हम आधी रात कोई भी पहुंच जाता है वो अभी जवाब नहीं देते, वो कहते हमारा परिवार रहता है, वो कॉलोनी वाले नहीं है, हमारा परिवार है, ठीक है, उन्होंने आज तक ये नहीं सोचा, आजकल तुम देख रहे हो लोगों को ठगने वाले बतरे घूम रहे हैं, हम 600 यूनिट फ्री करा देंगे, 800 यूनिट फ्री करा देंगे, आज तक कोई बंदा कह दे किसी तरह का भी, जब ये लोग भूखे मर रहे थे, इन लोगों को राशन नहीं था, खाने के लिए गुजारा नहीं था, किसी ने आज तक उनको पूछा कि भाई आपके घर में राशन है कि नहीं है, क्योंकि मंत्री साहब ने ये कहा भी कोई भी इंसान भूखा नहीं सोना चाहिए, हर एक घर में हमने पूछा कि आपके घर में राशन है, उनका राशन नहीं है तो हमने तुरंत राशन लगा के दिया, उनको खाना पचाया, उनको हर एक चीज़ मुहैया कराई, उनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती हमने,
पब्लिक ने पब्लिक के लिए हर एक चीज की उनको जो थी पूरी करी उनकी। टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है, क्या कहना चाहोगे किस तरह का लोगों को मतलब रुझान है इस तरफ? जैसे कि कॉलोनी के जो प्रधान है हमारे सतीश कुमार जी, ये हमेशा ही जब से कोविड की लहर चली है गरीबों के लिए जहाँ कॉलोनी वालों के लिए राशन उस टाइम भी इन्होंने मुहैया कराया जिस टाइम लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। ये सिर्फ हमारी पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है बलबीर सिंह सिद्धू और अमरजीत सिंह जीती सिद्धू की बदौलत ही जो राशन प्रोवाइड किया उन्होंने। ये सतीश जी ने बकायदा गाड़ी पिकअप लगा रखी थी और उसमें बना हुआ फूड और राशन ड्राई राशन सारे घर घर पहुँचाया। ये सतीश जी का बहुत बड़ा योगदान है। ये योगदान तभी है अगर हमारी पार्टी के लीडर जो हेल्थ मिनिस्टर साहब हैं उनका इनके सिर पे हाथ है, हमारे सबके ऊपर हाथ है, इसीलिए हम बढ़ चढ़ कर जो भी काम है वो करते हैं। सतीश जी हमेशा गरीबों का किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम है, किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया या किसी की कोई डेथ होगी उनकी पूरी अपनी पॉकेट से बहुत ज़्यादा सहायता करते हैं। जैसा कि पहले क्या होता था कि लोग वैक्सीन लगवाने से डरते थे, लेकिन अब जहाँ भी कैंप लगता है बहुत ज़्यादा लोग पहुँच रहे हैं, क्या लोग अब जागरूक हुए हैं कि लगवानी चाहिए? ये देखो ये स्टाफ और डिपार्टमेंट अवेयर कर रही है भी ये बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐड बहुत चल रही है, हर एक जगह ऐड चल रही है कि वैक्सीनेशन अगर हम नहीं लगाएंगे तो हम दूसरी स्टेट में एंटर नहीं कर सकते। जैसे जिसने विदेशों में जाना है उसके लिए भी वैक्सीनेशन दोनों ज़रूरी हैं, तभी वो यहाँ वहाँ ट्रैवल कर सकते हैं। आम साहब कॉलोनी चाहे स्लम एरिया है, इतनी थोड़ी टीम जी काम कर रही है, सबसे पहले अभी तुम्हें बधाई देवे कि बहुत बड़ा काम है कोरोना वॉरियर्स के तौर पर कर रहे हो। मैम की कहना चाहोगे इस मामले में? मैं यही कहना चाहूँगी कि जी कोरोना की महामारी पूरे विश्व फैल चुकी है, ये जी कोविड की वैक्सीनेशन है पूरे विश्व लगाई जा रही है, पंजाब जी है पूरे इंडिया में यह वैक्सीनेशन हो रही है, पंजाब सरकार वालों भी विशेष उपराले किए जा रहे हैं, फ्री वैक्सीन जी हेल्थ डिपार्टमेंट वालों प्रोवाइड करवाई गई है सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जी, और जी सेहत विभाग की टीम है वह एरिया में जाके जिन्हें स्लम एरिया और जितने ताकि आम पब्लिक हर एक तक यह जी वैक्सीन है पहुँचाई जा सके। टाइम जो जिस टाइम की गल करो उस टाइम लोग इन्ना ज्यादा पैनिक सीगा, डर सीगा, लोग मतलब भसते सीगे, उस टाइम के दौर से काम करना कितना चैलेंज काम थोड़ा चैलेंजिंग सी बट जड़ा सेहत विभाग से पूरी जिम्मेवारी सी, इस करके सारे ने अपने पूरे मनोबल उच्च रख के पूरी मेहनत करके अपने विश्वास लोगों में विश्वास जगाया कि आप कुछ जड़िया सावधानियां रख के इस बीमारी तो बच सकते हैं, जिदा हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग, इन्हां चीज़ां बारे जानकारी दी गई ते होर लोकां नूं सारे अपने मास्क बारे सारी जानकारी दी गई। यह सारी जिहड़ी है सेहत विभाग की टीम ने पूरे अपने मनोबल नाल उच्च मनोबल नाल काम कीता। अज तुहानूं हेल्थ मिनिस्टर वल्लों बकायदे तौर ते सर्टिफिकेट दे के सन्मानित किया गया, किस तरह लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जदों काम किया जाता है और तुहाडे उच्च अधिकारियों द्वारा तुहानूं सन्मानित किया जाता है तो मनोबल होर बढ़ जाता है, और पहले हमेशा ही जड़े है काम लिए उत्साहित किया जाता है समय समय से, और बहुत अच्छा लग रहा है सारी टीम नो अप्रिशिएट किया गया, उन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद। शिंदरजीत कौर जी, तुसी अच्छे की करते हो? मैं तो एज ए एनएम 12 साल तो काम कर रही हूं। तो इस तरह के माहौल से काम करना स्लम एरिया खास करके कितना चैलेंज भरा होता है? चैलेंज भरपूर तो बहुत है, पर अपनी कोशिश पूरी करी दी है भी लोगों तक सारी सहूलत पहुंचे ते घर घर सारी सहूलत मुहैया कराई जाए ते लोकां नूं अवेयर किया जाए खासकर कोविड के दौरान की वैक्सीनेशन वध करवाओ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਡਰ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਖੁਦ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਈ ਚੰਗੇ ਭੱਲੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਮੋਸਟਲੀ ਅਸੀਂ 70% ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੌਰ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਮ ਸਾਹਿਬ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਅਤੇ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਦੋਨੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਡੋਜ਼ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਘੱਟ ਸੀ, ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਵਾਉਂਦੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਬਰ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜਣ 6 ਵਜਣ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਵਾ ਵੀ ਔਨਲਾਈਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ
कोई भी गाइडलाइन सरकार दी गाइडलाइन अज सेहत मंत्री साहब भी इतने आए ने तो वह भी उन्होंने भी कोशिशा साढ़े सिविल सर्जन मैम साढ़े एस एम ओ मैम साहब ने सब दी एफर्ट जड़े ने ना रंग लिया रहे ने सारे पूरे डिपार्टमेंट दे साढ़े। नाम अमनदीप कौर है, मैं इतने एज ए कम्यूनिटी हैल्थ ऑफिसर काम कर रही हाँ पिछले दो साल। दो साल के सफर च कोविड का बड़ा खास मतलब दौर रहा, बड़ा पैनिक मतलब बड़े डरते थे। हाँ जी, एक कोरोना वायरस लिए बड़ा चैलेंजिंग वर्क रहा। हाँ जी, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग वर्क रहा। पहला इतने जो एक अद्धा केस भी निकलता सीगा तो सारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा डर जाती सी, असी खुद भी बहुत ज़्यादा डर गए थे। उस तो बाद हौली हौली जो कोविड दी गाइडलाइनस आदि रही असं उदा लोगों को अवेयर करते रहे कि सोशल डिस्टेंसिंग रखो, अपनी प्रॉपर जो भी गवर्नमेंट जो भी प्रीकॉशनस दिंदी हैगी असं उन्हां प्रीकॉशनस फॉलो करके लोगों तक अपना मैसेज है जो कन्वे करते रहे। उसके नाल की होया लोगों के बीच बहुत ज़्यादा अवेयरनैस होगी। उस तो बाद जिदा कि सलामी एरिए अगर तुम कह सकते हो कि एक अद्धा केस भी फाइंड आउट हो जाता है तो स्प्रैडिंग के चांसिस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। असी लोगों ने इन्ना क ज़्यादा अवेयर किया है, ठीक है, वो की होया कि जोड़े स्प्रैडिंग के चांसिस ने और सलामी एरिए बहुत ज़्यादा घट गए, जिस करके इतने इन्ना ज़्यादा कोरोना कहना चाहते जी कोविड की कम्युनिटी चेन सी तोड़न काफ़ी। हाँ जी, अवेयरनैस मेहनत लगी। हाँ जी, लास्ट ईयर तो बहुत ही ज़्यादा असं किया, हम चलो वैक्सीनेशन आ गई है तो हम लोगों के बीच होर भी ज़्यादा अवेयरनैस आ गई है। तो मैम की लगता है 100% का जो टीचा है लक्ष्य है वो कदों पूरा कर लेंगे? एक्चुअली इस एरिए माइग्रेटरी पापूलेशन बहुत ज़्यादा हैगी है ना, जो तक माइग्रेटरी पापूलेशन होंगी जाएगी वैक्सीनेशन होंगी जाएगी, ठीक है। और इस सलाम एरिए टोटल 30,000 पापूलेशन है जो असी कवर करता रहे हैं, साड़ी पूरी कोशिश हैगी। पहला एक्चुअली साढ़े तो आउटसाइडेड भी आके इंजैक्शन वैक्सीनेशन करवा लेंगे सी, बट हूँ सानू उच्च अधिकारियों ने कहा है कि तुम अपने एरिए ही वैक्सीनेशन करनी है जिस नाल हूँ कवर अप हो जाएगी। हाँ जी, हम कोरोना के, हाँ जी कोरोना के वैक्सीनेशन आउटसाइड नहीं लगे। एक दिन का कितना टीचर रखते हो, कितना मतलब अपना होता है, कितना टोटल वाइल्स से डिपेंड होंगे कि कितनी वाइल्स सानू प्रोवाइड की जाती ने। अगर 10 वाइल्स होंगे ने तो उदे नाल देख लो 100 की हो जाती हैगी वैक्सीनेशन, अगर मैक्सिमम 15 वाइल्स का इतने तक ही हो जाती है। एक्चुअली असि आशा क्या होगा पहला कि अगर थोड़ा कोई अपने एरिए शक्की मरीज दिखता है तो अपने हेल्थ वैलनेस सेंटर से भेज सकते हो, असि उन्होंने रैड टेस्ट है जो कर दें। उस तो रैड करने तो बाद फिर वो सोशल आइसोलेशन आइसोलेशन किया जाता है, जिस करके लोगों के भी जो शक्की मरीज ने वो भी निकल रहे हैं, इस करके लोग इस चीज़ को फॉलो करने के लिए अवेयर हो चुके हैं। आलमोस्ट इस्लामी एरिए सारे एरिया हो चुके हैं। अरिंदर कौर है। सारे लोग तकरीबन पहला तो टीके लगवाते नहीं तो हूँ सारे अपने आप ही आके इंजेक्शन लगवा रहे हैं। मेरा नाम अनुराधा है, आशा फैसिलिटेटर। हाँ, मैं इस एरिए कम से कम तो 12 साल तो कम कर रही हूँ। किस पोस्ट पे काम कर रहे हो? कि अपना काम आशा फैसिलिटेटर, जिवें आशा वर्कर, आशा फैसिलिटेटर हो। हां जी, फैसिलिटेटर हो। हां जी, हां जी, ठीक है। कहना चाहोगे जेड़े लोगों को आज टीका लग रहा है, क्योंकि जिस माहौल से तुसी रहंदे हो जो उठे तो लोग सुरक्षित होंगे तो तुसी आप भी सुरक्षित रह सकते हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हां जी, हम लोग जागरूक हो चुके हैं। हां सर, इस टाइम तो हां बिल्कुल ही सर, वही कहना मैम दा कि 70% लोग जागरूक ने, 70% लोग वैक्सीनेशन भी करा चुके हैं। बट जिस टाइम कोरोना होया सी मैं खुद इस एरिए च आंदी सी तो सब नु इत्थे बहुत ज्यादा मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी है प्रधान जी नाल इस एरिए च आके लोगों नु अवेयर किया, मास्क लगाओ, डिस्टेंस रखो, बट सानू उस टाइम 20% कामयाबी मिलती सी, 80% नहीं मिलती सी। बट हुण असी कह सकते हैं कि असी 70% कामयाब हैं, अजे 30% रह गए। लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं, पहला नालों बहुत ज़्यादा इन्हों पता लग चुके हैं, इन्हों सैनिटाइजेशन का भी पता लग चुके हैं, इन्हों मास्क पहनने का भी पता लग चुके हैं, इन्हों डिस्टेंस का भी पता लग चुके हैं, और सब तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्हों वैक्सीनेशन की बहुत ज़्यादा नॉलेज हो चुकी है। जिस टाइम असी फर्स्ट टाइम इतने वैक्सीनेशन की 17 अप्रैल में असी लोगों ने घर जाके मिन्नता कीतियां सी, बट लोग नहीं आ रहे सी, नहीं आ रहे सी। मैं खुद इस चीज़ में गई सी, वो कहते सी अगर सानू कुछ हो गया सानू रिटर्न लिख के दे दो, अगर असी मर गए साढ़े बच्चे कौन देखेगा ये वो, तो असी मतलब मैं इस चीज़ की गवाह हाँ इस गुड़िया नाल, ये आशा वर्कर है
कुड़ी ते असी बहुत ज्यादा घूमे हैं बहुत ज्यादा बट उस साढ़े असी अगर पांच वायलां भी लेके आते साढ़े 20 टीके लगते सी ती तीन वायलां साड़ियां वापिस जांदियां सी पर हुण हुण उल्टा हो गया हुण साडा साडी दवाई खत्म हो जांदी है पर भीड़ नहीं खत्म होंदी जुबाला है और मैं 2009 से 2014 तक आशा वर्कर का काम कर चुकी हूँ किसी कारणवश मैंने काम छोड़ दिया था लेकिन फिर भी मुझे जब भी यहाँ पर हमारे मैडम है अनुराधा जी जो कि हमारी फैसिलिटेटर थे जब भी यहाँ पे आते हैं टीकाकरण होता है या कोई भी ऐसा जैसे वैक्सीन लग रही है जब भी आते हैं मुझे पता लगता है मैं इनकी हेल्प के लिए हमेशा खड़ी रहती हूँ और सपोर्ट करती हूँ इनको मुझे बहुत ही अच्छा लगता है सपोर्ट करना बट मैंने काम छोड़ दिया लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगता है लोग गीता रानी हम गुरु नानक कॉलोनी के यहाँ पर भी हमारे एनम लगे हुए हैं यहीं पर टीके लगा रहे हैं बहुत अच्छे टीके लग रहे हैं नहीं इस कॉलोनी में बिल्कुल टीके नहीं लगवाते थे हम खुद बुलाने आते तकरीबन नाम तक नहीं बताते थे हमारे को मेरा ये नाम है हम पूछते रहते थे वैक्सीन लगवा लो कर हमने नहीं लगवानी जी हमने नहीं लगवानी अब बहुत अच्छे टीके लग रहे हैं सिर्फ क्या ये लोग जागरूक नहीं थे डर था कह रहे हमारे ये मर जाएंगे फलाना हो जाएगा अब कुछ नहीं ये तो सर आप बहुत अच्छे